सुनीता मुंडे हूँ, मेरी एज 52 है। आज तक तो सब बच्चों के लिए किया था, जो भी कर रहे थे, तो अभी बच्चे बड़े हो गए तो ऐसा लगा कि अरे मेरा तो बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। तो वो जो भी मुझे बाकी रह गया है उसमें मेरा एक सपना था, जैसा वो बकेट लिस्ट में मेरी थी कि मैं एक बार रैंप वॉक करूँगी, तो मुझे रैंप वॉक करना है, उसके लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरी पूरी फैमिली और सब जन इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि अरे बाप रे मेरे पीछे इतने लोग। बचपन से ही परिकथा आप कहें या जो कहना है कह सकते हैं, बचपन से ही मुझे बड़ा शौक था मिस इंडिया बनने का, क्राउन पहनने का, कैटवॉक करने का। मेरी आंटी के दुपट्टे पहन पहन के मैं कैटवॉक किया करती थी, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति थी कि जब समय था तब नहीं कर पाई, सपने अधूरे रह गए। लेकिन डॉक्टर खुशी और गुरु भाई जैसे लोग हैं दुनिया में जो मिस को छोड़ के मिसेस को प्रोत्साहन देते हैं। यूजुअली हम लोगों में शादी के बाद दुनिया खत्म। थैंक यू मैम, आप बताइए। मेरा नाम इप्सिता मलिक है, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। तो जब शादी हुई, ये शौक तो हमेशा रहता है कि मिस इंडिया। शादी से पहले तो बहुत बार कॉम्पिटिशन्स देखती थी, जाके रैंप पे बोलती थी कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ये दूंगी, पर मौका नहीं मिला। बट शादी के बाद जब ऐसा पति मिला जो कि हमेशा सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, इन लॉज मिले, एंड ऑफकोर्स पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर टू मोटिवेट यू कि आप तुम आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ परफेक्ट मिसेज इंडिया का कि उन्होंने हमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि जनरली जहाँ भी जाओ वहाँ मिस इंडिया। तो ये बहुत प्रॉब्लम था हमारे लिए। तो बाकी आज हमें ये मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम अपना टैलेंट भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। परफेक्ट मिसेज इंडिया के जो गुरु भाई जी हैं और अंजू मैम हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मिसेज इंडिया जैसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और इसमें हमारे जैसे मामूली, हम अभी तो फिलहाल मामूली ही कह सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर आने के बाद मैं अपने आप में वैसी एक क्राउन अपने सर पर महसूस कर रही हूँ कि बहुत बड़ी मिसेज इंडिया बन चुकी हूँ। ऑल द अवार्ड्स, नो अदर अवार्ड इज रिमेनिंग। आई गॉट द अब्दुल कलाम अवार्ड, एंड आई गॉट द सोशल वर्कर अवार्ड, आई गॉट द वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, आई गॉट द बेस्ट ब्यूटीफुल स्माइल अवार्ड। ये कि बाकी था मिसेज परफेक्ट वुमेन का, तो वो भी ट्राई करूँगा सोच के आया। बट थैंक्स टू ऑल टू द मीडिया एंड द परफेक्ट पीपल। आई एम डॉक्टर मिसेज उर्वी भांबी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन द स्टेज ऑफ परफेक्ट मिसेज इंडिया 2018. ट्रस्ट मी 101%, दिस एक्सपीरियंस हैज बीन इनक्रेडिबल। द सेशंस दे आर प्रोवाइडिंग अस, द प्लेटफॉर्म दे आर प्रोवाइडिंग अस इज जस्ट सो अमेजिंग। अमृता कुरने, माई एज इज 32, आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट वर्किंग वूमन। आई एम अ वर्किंग वूमन एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर गुरुभाई ठाकुर एंड हिज वाइफ मैम दैट दे हैव गिवन अस अ चांस टू एक्सप्लोर आर सेल्फ। दे हैव गिवन कॉन्फिडेंस एंड दैट्स द रीज़न आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ एंड वुमन एम्पावरमेंट। बाई प्रोफेशन ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। बहुत सिंपल सी लाइफ है यहाँ पे जितने भी लोग हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो परफेक्ट मिसेस इंडिया 2018 हो रहा है। फर्स्ट टाइम है उनके लिए, भी फर्स्ट टाइम है हमारे लिए, भी फर्स्ट टाइम है। अभी दोनों मिलके वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट, बहुत ज़्यादा ग्रैंड होने वाला है। बहुत अ टीचर एंड अ कोरियोग्राफर। एक्चुअली हमने कभी सोचा भी नहीं था इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। इट इज़ ऑल ऑफ अ सडन, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी टू बी हियर। मिसेस किम्बली परेरा, आई एम फ्रॉम मुंबई। And well, Perfect Mrs. India 2018 is a dream come true for me. This is a perfect platform, a great platform I would say for all married women especially. And I would definitely recommend all married women should give this platform a try once to accomplish a sense of fulfillment and you know feel proud of yourself. Jyoti Iyer, main Dombivli se hoon. यहाँ पर मैंने जितना देखा, यहाँ के लोकल लोग थे, हम कुछ लोग हैं जो दूर से आए हैं, और ये वहाँ रहने से हम लोगों का एक बहुत बड़ा सपना था कि का हम स्टेज पर करें, हम कुछ करें। मैं स्टेज आर्टिस्ट हूँ, आई एम अ डांस टीचर, मैं क्लासिकल डांस टीचर हूँ, और मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ। पर मिसेस इंडिया ये जो था, ये क्राउन और वो जो जगमग जो होता है, इसमें हिस्सा लेने का कई सालों से दिल में था। मिस इंडिया तो नहीं बन पाए, और फिर शादी के बाद ऐसे लगा चलो अब तो ख़त्म हो गई। जब गुरु भाई ठक्कर ने, खुशी मैम ने और ब्राइट मीडिया के थ्रू से हमको जब इसके बारे में पता चला, तो दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी दैट आई वॉज वेटिंग फॉर।
तो जैसे हम लोग इसमें आने लगे हमने कई सारी चीज़ें सीखी. एक तो शेट्टी, आई एम कंटेस्टेंट नंबर 29, आई एम फ्रॉम मुंबई. आई लिव विद माय हस्बैंड हियर एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड फॉर सपोर्टिंग मी टू दिस. थैंक्स टू द प्लेटफॉर्म गिवन टू अस फॉर शोकेसिंग आवर टैलेंट. सो आई वुड से दैट मैरिज इज नॉट एन एंड ऑफ एवरीथिंग, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी. So if you have any dreams out there, just do it. If you think you can do it, just do it. Pinku Chaudhary, I'm from Rajasthan. My contestant number is 22. I'm going to represent whole Rajasthan. So I'm very, very happy and excited too. Cynthia Furtado, representing Pune for Perfect Mrs. India 2018. And I want to break the notion that people think my parents were very supportive of me before I got married. What happens is after marriage, everybody thinks your life is over. It doesn't get over, especially if you get very supportive in-laws. And I'm very thankful to the Almighty that I have great in-laws and great parents. So I'd like to thank team of Sneha Mankar from Nagpur. Thanks for giving me this opportunity. I have no words, but actually I am into this industry. It's been now 6 years and I got this chance again after marriage. खुशियों को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं. बस शुक्रगुजार हूँ प्लेटफॉर्म की, परफेक्ट मिसेस इंडिया के. प्रोफेशनल सिंगिंग एंड ऑल, इसमें आने के लिए ये जर्नी वॉज लाइक एक्सेलेंट. टास्क बहुत हार्ड थे, कंटेस्टेंट बहुत टफ है हमारे सामने. सो थोड़ी सी घबराहट भी है. सो ठीक है, अगर जीते कि ना जीते हम लोग फिर भी मिसेस परफेक्ट तो हैं ही. और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इसमें इसलिए आई हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एक आइकॉन बनने के बाद ही हमें उस चीज़ की वो मिलती है, इजाज़त मिलती है कि हम कर सकें. तो मेरे कुछ ऐसे सपने हैं जो मैं करना चाहती हूँ, एज अ सोशल वर्कर मैं करना चाहती हूँ. तो वो मुझे लगता है कि ये ओहदा अगर मेरे सर पे एक क्राउन आ जाता है तो मेरे लिए वो टास्क ईजी हो जाएगा. थैंक यू सो मच. परफेक्ट मिसेस इंडिया प्रोग्राम में आया हूँ इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है. शायद नर्वस है कंटेस्टेंट से ज़्यादा, ऑर्गेनाइजर्स इस वक्त नर्वस है क्योंकि कल कौन क्राउन ले जाएगा वो पता नहीं. लेकिन विनर्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब दिल के करीब है, तो हम तो चाहते हैं कि सब जीते. परफेक्ट मिसेस इंडिया ये पहले स्टार्ट इसलिए था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्योंकि यहाँ पे हम ब्यूटी या ग्लैमर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. वी आर जस्ट टारगेटिंग ऑन द टैलेंट क्योंकि आज जितनी ही मैरिड वुमेंस हैं, क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स आप देखेंगे हाउस वाइफ है, कोई डॉक्टर है, तो सब ग्लैमर इंडस्ट्री से नहीं है. हम चाहते थे कि उन लोगों को वो मौका मिले कि उनमें जो टैलेंट है वो चीज़ को हम बाहर ला सकें, इंडिया को दिखा सकें कि और भी परफेक्ट वुमेन जो गांव-गांव में है, दे हैव द राइट टू एक्सप्लोर देयर लक. डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज तो क्योंकि जैसे ही वो क्राउन जीतते हैं वैसे ही उनके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं. लेकिन ये उनकी चाह होगी क्योंकि हम खुद नहीं जानते कौन जीतेगा. और जैसे कि सभी मैंने कहा सभी ग्लैमर इंडस्ट्री से नहीं है तो पता नहीं कौन जीत रहा है. अगर कोई पायलट हुई अगर वो करना चाहेगी तो डेफिनेटली हम उनके साथ हैं और हम उनको सपोर्ट करेंगे उसके लिए.